दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है संडे और आप जानते हैं कि संडे के दिन मैं आपका कमेंट लाता हूं, उसको रीड करता हूं और उसका रिप्लाई देता हूं। दोस्तों आप जो कमेंट करते हैं, हो सकता है वहां पे उस कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिलता हो, इसलिए तो मैं वीडियो लाता हूं ताकि आपके कमेंट को पढ़ा जा सके। जो आपके इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं, प्यारे प्यारे जो कमेंट आप करते हैं, उसको पढ़ा जा सके, उसके क्वेश्चन को जवाब दिया सके, क्योंकि आपका जो डाउट्स है, आपका जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो सॉल्व हो सके, है ना, उसका सॉल्यूशन हो सके। दोस्तों वहां पे मैं नहीं दे पाता हूं, इसलिए मैं वीडियो लाता हूं। आप जानते हैं कि मेरे व्हाट्सएप पे, कॉल पे लोग मैसेज करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, तो टाइम नहीं निकाल पाता हूं, टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, इसलिए मैं वीडियो लाता हूं संडे के दिन, ताकि आपके सारे कमेंट को मैं कवर कर सकूं। तो चलिए, हर संडे के भांति इस संडे को भी मैं लेके आ गया हूं आपका कमेंट, और यहां पे उसको पढ़ने वाला हूं और उसका रिप्लाई देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला जो कमेंट है यहाँ पे कौन मेरे भाई ने किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक। दोस्तों पहला जो कमेंट यहाँ पे है वो है राहुल कुमार जी का, आप देख सकते हैं, राहुल कुमार जी का कमेंट है। और ये राहुल जी क्या लिखते हैं देखिए, कंपनी पैसा देगा या बेवकूफ बनाएगा। और आगे भी लिखते हैं, सुन लीजिए पहले, छोटा बैंक में पैसा ले सकते हैं सर बताओ। आगे है, बिना केवाईसी के पैसा ले सकते हैं सर बताओ। तो राहुल जी जाहिर सी बात है, बिना केवाईसी के पैसा आप नहीं ले सकते हैं, केवाईसी आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी हाँ, यह जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। आगे आपने बोला है कि छोटा बैंक क्या होता है और बड़ा बैंक क्या होता है, बस बैंक नेशनलाइज होना चाहिए, ठीक है ना, उस बैंक का स्विफ्ट कोड होना चाहिए, तभी वो बैंक आपका अलाउ करेगा, क्योंकि अगर स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो अलाउ नहीं होगा, बाहर से पैसा नहीं आएगा, क्योंकि बाहर से पैसा मंगवाने के लिए स्विफ्ट कोड का होना जरूरी है, तो ऐसा बैंक होना चाहिए, ठीक है। आगे आपने लिखा है कंपनी पैसा देगा या बेवकूफ बनाएगा, सर अभी तक तो ये बेवकूफ नहीं बना रहा है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि लक्षण तो दिखाई दे नहीं रहा है इसका बेवकूफ बनाने का कुछ, ठीक है ना। तो भरोसा रखिए, आपने जुड़ा है इस कंपनी के साथ, आप अपना इस कंपनी में ज्वाइनिंग आपने लिया है, तो विश्वास करके ही लिया होगा, एक बार विश्वास कर लीजिए। 25 अगस्त नजदीक आने वाला है, पेमेंट मिलेगा तो बिल्कुल आपको जो विश्वास अधूरा है वो पक्का विश्वास हो जाएगा, तो पेमेंट आने दीजिए 25 अगस्त, ठीक है। तो राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए, यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है यहाँ पे देख लीजिए, पीएन बिट्टू जी का है, जो लिखते हैं कि सर जी मैं अब 5 बिलियन का पूरा प्रोसेस कर सकता हूं, कम से कम 5 से 10 मिनट भी नहीं लगता है। जी हाँ, अगर एक बार आप जानकारी आपको हो गया कि कैसे प्रोसेस करना होता है, आपने कर लिया, आपने 2-3 ID लगा दी अपने डाउनलाइन में, 5-6 ID लगा दी, तो बिल्कुल दोस्तों ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है और बहुत कम टाइम टेकन लेता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है ना। तो बस आप एक बार करने से, एक बार कर लीजिएगा, टाइम कुछ नहीं लगेगा, तो अच्छी बात है। देखिए पीएन बिट्टू जी यहाँ पे बोल रहे हैं तो सही, अच्छी बात है, आपने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिट्टू जी। आगे हैं राज अर्निंग जी, जो लिखते हैं कि प्लीज टेल अस ईच टाइप्स ऑफ इनकम इन वेरी डिटेल्स। राज जी मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है कि कितने टाइप का इनकम 5 बिलियन सेल्स से मिलता है, वो कैसे मिलता है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है, ठीक है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे सर कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है सुप्रिया म्यूजिक लव जी का, जो लिखती है कि सर 5 बिलियन सेल्स में एक्सटेंशन क्या होता है, हम जितना भी ज्वाइन लगाते हैं उसमें एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं देता है, इसलिए ये डाउनलाइन वाला इनकम मुझे नहीं मिलता है क्या। सुप्रिया म्यूजिक लव जी बिल्कुल सही बोले हैं, एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, और जाहिर सी बात है आप कीवी ब्राउजर को बाय डिफॉल्ट नहीं करवाती होंगी मोबाइल में, जिसके कारण से 5 बिलियन सेल्स लॉगिन आपका क्रोम ब्राउजर में होता होगा, जिसके कारण से एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपका कीवी ब्राउजर में आप ज्वाइन करवाएंगी, कीवी ब्राउजर में लॉगिन करवाएंगी, तो वहां पे एक्सटेंशन आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रही हैं, जाहिर सी बात है जब भी आप किसी को लिंक शेयर करते हैं अपना रेफरल लिंक, जैसे ही उस लिंक पे वो क्लिक करता है तो उसके मोबाइल में जो ब्राउजर है पहले से उसी में जाके खुलता है, तो हर आदमी के मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होता है, तो जाके उस क्रोम में खुल जाता है, वहीं पे आप जो है फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रोम में करने से पैसा थोड़ी मिलने वाला है आपको। 5 बिलियन सेल्स ने बोला है कीवी ब्राउजर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप लोग कीवी ब्राउजर डाउनलोड पहले करवा दीजिए, उसको मोबाइल में जाकर उसका जो ब्राउजर है उसको बाय डिफॉल्ट चेक करवाना पड़ेगा, क्रोम को हटाकर कीवी वहां पर लगाना पड़ेगा, ताकि उस लिंक पर जब क्लिक करे तो कीवी में खुले, तब एक्सटेंशन आएगा।
तो ध्यान से सुन लीजिए, अभी भी मौका है, आप करवा लीजिए उनको, कीवी में जाइए, लॉगिन करवाइए वहां पे, ठीक है। और वहां पे ब्राउजर को बाय डिफॉल्ट भी करवा दीजिए, और बाय डिफॉल्ट करवाने का वीडियो मैंने बना रखा है, देख लीजिए कैसे सेटिंग में जाके मोबाइल में बाय डिफॉल्ट किया जाता है। तो प्लीज एक्सटेंशन आप लगवा लीजिए, क्योंकि बिना एक्सटेंशन का आपको इनकम यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया म्यूजिक लव जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ है कमलेश जी का, जो लिखते हैं कि 5 बिलियन सेल्स ने जो वार्निंग दिया है उसे बताने के लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी न्यूज वहां से आएगा तो भैया एज ए यूट्यूबर मेरा तो बताना फर्ज बनता है ना, 5 बिलियन सेल्स हो चाहे मोन 91 हो, तो मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, प्यार बना रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ है धर्मेंद्र अहिवार जी का, जो लिखते हैं कि मुकेश जी आपकी इनकम हाई है, मेरी क्यों नहीं। दोस्तों सभी लोगों को मैं बता दूं कि इनकम जो 5 बिलियन सेल्स में जिन लोगों का हाई है, इसका मतलब यह हुआ कि उनका इनकम ज्यादा है, मतलब ज्यादा इन द सेंस आपका है कि $9,000 $10,000 ऐसा इनकम उनको हो गया है, जिसके कारण से वहां पे हाइड कर दिया है कंपनी ने। और जिनका इनकम थोड़ा कम है, जैसे कि $500 हो, 600 700 इस तरह का अगर इनकम है, तो वहां पे हाइड नहीं किया है, दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब जितना बड़ा अमाउंट है जिनका है उनको हाइड कर दिया है, जितना बड़ा है माने कि अमाउंट अभी छोटा है उनको हाइड नहीं किया है, ठीक है। आपका भी अमाउंट जब बढ़ेगा तो वो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें कोई रूल नहीं है कि मेरा क्यों है आपका क्यों नहीं है, ये कोई मोबाइल का दिक्कत नहीं है, बल्कि ये अमाउंट का है, जितना हाई अमाउंट है उसका हाइड है, जितना लो अमाउंट है उसका भी दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जी कमेंट करने के लिए, यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अलग कमेंट हुआ है ऑनलाइन अर्निंग बाय यूजिंग मोबाइल, बोलते हैं कि थैंक यू गुरुजी, वेरी वेरी नाइस वीडियो गुरुजी, थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, प्यार बना रखिए। आप लोग कैसी कमेंट से मेरा तो कॉन्फिडेंस हाई होता है, मैं वीडियो बना पाता हूँ, डेली अपलोड कर पाता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ है रोहित चौरसिया जी का, जो लिखते हैं कि केवाईसी पे वीडियो बनाओ सर। रोहित जी मैंने केवाईसी पे वीडियो बना दिया है, केवाईसी से पहले क्या करना है और केवाईसी कैसे करना है सारा प्रोसेस मैंने बता दिया, हो सकता है आपने वीडियो देख भी लिया हो, कल ही अपलोड किया था, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, सभी दोस्तों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने उसमें बताया है, बाय प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाया है, मैं अपना केवाईसी वीडियो बनाते वक्त ही किया था, ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी कमेंट करने के लिए, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ धर्मेंद्र जी का है, जो लिखते हैं कि मुकेश जी वेब 3.0 पे वीडियो बनाओ। दोस्तों अगर आप लोग भी अगर वेब 3.0 के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट से भर दीजिए। धर्मेंद्र जी ने कमेंट कर दिया है, आप लोग भी कमेंट कीजिए कि वेब 3.0 पे वीडियो बनाइए, तब मैं वीडियो बनाऊंगा, इस पे समझाऊंगा वेब 3.0 क्या है और 5 बिलियन सेल्स में इसका इस्तेमाल क्या है और मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जी कमेंट करने के लिए, यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ रविंद्र राज SSA जिसका लिखते हैं, दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं कि सर 5 बिलियन अपना ब्राउजर कब तक लॉन्च करेगा। सर देखिए 5 बिलियन का ब्राउजर का जहां तक बात है तो ये आपका डेट दिए हुए था 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आने वाला था, लेकिन इधर न्यूज मिला था कि 20 से 21 जुलाई को ये आ जाएगा, लेकिन ये जो चेतावनी आने लगा, जो लोग गलत करने लगे, इसी कारण से ये डेट आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे कंपनी पहले अपने आप को सुरक्षित कर लेगा, पहले अपने आप को सेफ कर लेगा, उसके बाद ये लाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि 15 अगस्त से पहले आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र जी कमेंट करने के लिए, यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हैं गिरिलाल मोहन जी, जो लिखते हैं कि हाँ सर प्लीज केवाईसी से पहले क्या करना है बताइए, मैंने बता दिया है सर, वीडियो बना दिया है, देख लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए गिरिलाल मोहन जी। और लिखते हैं कि हाँ सर प्लीज केवाईसी से पहले, चलिए मैंने कर दिया सर, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गिरिलाल मोहन जी एंड रविंद्र राज जी कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ रंजीत राज जी का, जो लिखते हैं कि पूरी प्लान को आप शॉर्ट में ही सही लेकिन बहुत अच्छा से समझाए सर। दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था 5 बिलियन सेल्स का प्लान को बताया था, तो वही रंजीत जी कमेंट किए हैं कि सर शॉर्ट में बताया वीडियो लेकिन अच्छा जानकारी दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ अरमान 94 ब्लॉग जी का, जो लिखते हैं कि नाइस इन्फॉर्मेशन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है सतीश ब्लॉग जी का, जो लिखते हैं कि सर जी M91 में टोकन कैसे खरीदें
और कैसे आता है हमारे टोकन वॉलेट में, कृपया बताएं। सर जी मैंने वीडियो बना दिया है, मैंने टोकन कैसे खरीदते हैं कैसे बेचते हैं, हालांकि आप M91 के बारे में बोल रहे हैं, तो मतलब M91 तो Robi91 हुआ, Robi टोकन हुआ M91 का, Robi टोकन के बारे में आप बोल रहे हैं, तो मैंने वीडियो बना दिया है कैसे खरीदते हैं कैसे बेचते हैं, जाहिर सी बात है खरीदेंगे तो हमारे वॉलेट में आएगा, ठीक है ना, तो वीडियो देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी वीडियो आते रहेगा इसके बारे में, तो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश ब्लॉग जी कमेंट करने के लिए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हो धर्मेंद्र जी का है, जो लिखते हैं कि KYC कर दे 25 अगस्त से पहले तो मजा आ जाएगा, क्योंकि फ्रॉड लोग पकड़े जाएंगे। बिल्कुल सही सर, मैं तो खुश हूं, और जो लोग ईमानदारी से इसमें काम करना चाहते हो सभी लोग खुश है कि KYC कंपनी कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि गलत करने वाले लोग यहाँ से चले जाएंगे और जो सही लोग रहेंगे यहाँ पे वो पैसा कमाएंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए आपका, यहाँ रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हैं ऑनलाइन अर्निंग बाय यूजिंग मोबाइल जी, जो लिखते हैं कि वेरी वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन गुरु जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कमेंट करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ है नागेश्वरी धाम जी का, जो लिखते हैं कि वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, कमेंट करते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है राजन शर्मा जी का, जो लिखते हैं कि सर अभी KYC करना जरूरी है, जब विड्रॉल करेंगे तब KYC करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप KYC कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब करना ही है, ऐसा तो नहीं है कि 5 बिलियन में काम नहीं करना है, जब काम करना ही है तो KYC करने में दिक्कत क्या है? अभी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, अभी KYC आप कर लेंगे, मान लेते हैं कुछ मिस्टेक हो गया तो आपको फिर से कर लेंगे, रिपोर्ट आ जाएगा आपको, ठीक है ना, तो कर लीजिए, करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी टाइम है, आपको आराम से कर सकते हैं। उस समय आप फरवरी में, क्योंकि उस समय तो आप रहिएगा पैसा निकालने के चक्कर में, आज जल्दी जल्दी में आप KYC करेंगे तो गलत भी हो सकता है, अभी टाइम है, इत्मीनान से आप कर सकते हैं, तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन शर्मा जी कमेंट करने के लिए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है संतोष कुमार जी का है, जो लिखते हैं कि सर आप बहुत मोटू हैं लेकिन आप अच्छे और सच्चे हैं, ऐसा आपकी बातों से लगता है। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ मैं मोटू थोड़ा सा हूँ, जिम जाना भी शुरू कर दिया हूँ तो कुछ कुछ वजन घट रहा है, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ पे कमेंट किया, अच्छा लगा कि चलो भाई कोई मेरा दोस्त मेरा भाई मुझे कुछ नाम दिया है मोटू, अच्छा अच्छा लगता है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट आपने किया, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे काम करते रहिए और तरक्की करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष कुमार जी कमेंट करने के लिए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट वो है बैमा सर, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग विथ मोबाइल जी यहाँ पे बहुत अच्छा मोटिवेशनल बातें लिखे हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, आप लोग सुन लीजिए। लिखते हैं कि बेईमानी से ही लालच शुरू होता है, क्या बात है, बिल्कुल सही, बेईमानी से ही लालच शुरू होता है और लालच में इंसान सब कुछ खोता है, सही बात है। बेचैनी में कभी जागता तो कभी सोता है, अब बुढ़ापे में पापों को सोच कर रोता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी करने के लिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि बेईमानी से लालच शुरू होता है, लालच से इंसान सब कुछ खो देता है और बेचैनी में कभी जागता है कभी सोता है, मतलब आराम नहीं रहता है, आप बुढ़ापा में पापों को सोच कर रोता है कि हमने क्या पाप कर दिया कि आज ये सजा मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और नीचे अंग्रेजी में भी इन्होंने लिखा है, सेम चीज को अंग्रेजी में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ग्रीड से स्टार्ट फ्रॉम डिसऑनेस्टी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे मालूम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कमेंट करने के लिए यहाँ पे, और अच्छा इतना अच्छा बात बताने के लिए, शायरी करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है कमलेश जी का, जो लिखते हैं कि KYC करने के बारे में सर ने इतना बढ़िया से समझाया कि हमारे सभी दोस्तों को समझ आ गया होगा, है ना सर, सही कहा ना सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, अब सही आपने कहा कि नहीं कहा ये तो लोग कहेंगे, मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद वीडियो बनाया हूं, लोग बोलेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, मेरे लिए तो सर ये प्रसाद के रूप में है, आप लोग का आशीर्वाद है ये, तो बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अच्छा बनाया है, तो चलिए अच्छी बात है, मेरा जो मिशन है, मेरा जो फोकस है, जो चैनल बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हो रविंद्र जी का है, जो लिखते हैं रविंद्र राज SSA जी का, जो लिखते हैं कि सर आधार कार्ड में होगा ना, जिनके पास आधार कार्ड ही है तो सर, बोलना क्या चाहते हैं, मैं नहीं समझ रहा, आपका कहने का मतलब है कि आधार कार्ड जिनके पास
होगा जिनके पास आधार कार्ड ही है तो। हाँ तो आधार कार्ड से लगा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खुद लगाया है, आधार कार्ड से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कमेंट हुआ है गोपाल प्रजापति जी का, जो लिखते हैं कि आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल प्रजापति जी, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। आगे हैं जी डब्ल्यू ध्रुवा जी, जो लिखते हैं कि सर आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड क्या दोनों अलग है? नहीं सर, ऑप्शंस में अगर आइडेंटिटी कार्ड है और आधार कार्ड आप लगा रहे हैं तो ऑप्शंस आइडेंटिटी कार्ड लगाइएगा, उसमें आधार कार्ड अपना लोड कर दीजिएगा। फोटो आईडी प्रूफ में ये ऑप्शन आता है, लेकिन एड्रेस प्रूफ में आइडेंटिटी कार्ड नहीं ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको अदर पे क्लिक करना होगा, वहां पे आधार कार्ड लिखना होगा। फोटो आईडी प्रूफ में आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक करना होगा, जो कि ऑप्शंस में रहता है, वहां पे आधार कार्ड का फर्स्ट वाला डालना होगा। समझ गए जी? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का कमेंट करने के लिए, यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ है संजय महाराज जी का, जो लिखते हैं कि जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान, जय शनिदेव, जय श्री माता जी, ओम नमः शिवाय, जय श्री महालक्ष्मी माता नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सर कमेंट करने के लिए, आपने भगवान को याद दिला दिया। चलिए इसी बहाने हम लोग भगवान का नाम जाप कर लिए, इससे अच्छा चीज और क्या चाहिए, सभी भगवान का हम लोगों ने जाप कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिएगा आप सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है कमलेश जी का, जो लिखते हैं कि नाइस वीडियो केवाईसी के सर। बहुत बहुत शुक्रिया है कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लिखते हैं कमलेश जी, केवाईसी करने का इतना सरल तरीका बताया सर ने कि हर कोई कर सकता है। तरीका वही है सर, सरल तरीका ही है, 5 बिलियन सेल्स ने जो तरीका दिया है वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है, मैं बताया क्या हूँ वहां वही तरीके है और कोई तरीका नहीं है, तो वही तरीका है, सभी लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ पीएन बिट्टू जी का है, जो लिखते हैं कि सर जी फिर क्या हम आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस चेंज करना होगा? ऊपर पढ़ते हैं, ऊपर देखिए लिखे हुए हैं कि और सर मेरे आधार कार्ड में सरनेम नहीं है, तो मैं एडिट प्रोफाइल में लास्ट नेम में क्या लिखूं? सर देखिए ऑप्शन जो वहां पे ऑप्शन आता है, वहां पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वहां पे तो भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अगर ऐसा आपको है तो फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख दीजिए, लास्ट नेम में डॉट डाल दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो डालना होगा, डॉट वहां पे डाल दीजिए, ठीक है ना, आधार कार्ड में जो है वो मैच हो जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस चेंज करना हो, एड्रेस क्या, एड्रेस जो आधार कार्ड में वो डाल दीजिएगा, रही बात नाम का, सरनेम नहीं है कोई बात नहीं है, जो वहां नाम है वही फर्स्ट नेम में डाल दीजिएगा और डॉट डाल दीजिएगा लास्ट नेम में, हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीएन बिट्टू जी कमेंट करने के लिए, यहाँ पे उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ है गोपाल प्रजापति जी का, जो लिखते हैं कि सर नमस्कार, क्या सभी के लिए केवाईसी जरूरी है या जिनके 2000 डॉलर हो चुके हैं उनके लिए कृपया बताने की कृपा करें? सर सभी के लिए जरूरी हो गया है, अब वो 2000 डॉलर का मैटर ही खत्म हो गया है, 5 बिलियन से बहुत जल्द ये रिपोर्ट आ जाएगा, न्यूज आ जाएगा, सभी लोग के लिए मेजोरिटी हो गया है दोस्तों, अनिवार्य हो गया है, चाहे वो 2000 डॉलर कमा चुके हैं या नहीं कमा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितने भी यूजर ज्वाइन किए हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। आगे हैं सुप्रिया म्यूजिक लव, जो लिखते हैं कि इंपॉर्टेंट वीडियो था सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ है द गोल ऑफ लाइफ, जो लिखते हैं कि डेस्कटॉप पे कैमरा नहीं है तो क्या करूं? सर डेस्कटॉप में कैमरा नहीं है तो क्या करूं? तो सर मैं आपको बता दूं कि आप फोटो ले सकते हैं, हालांकि इतना जल्दी मैं नहीं आपको बताऊंगा सर, प्लीज आप मेरे मोबाइल पे आप ये करो, मोबाइल पे आप मेरे को मैसेज कीजिए, क्योंकि इसके बारे में पता करूंगा लगाऊंगा कि अगर लैपटॉप में तो कैमरा रहता है कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगता है कि मोबाइल से भी आप लेंगे और डाटा केबल से आप ट्रांसफर कर लेंगे अपना डेस्कटॉप में, तो वहां से भी काम चल सकता है, नो प्रॉब्लम, आप वही काम कीजिएगा सर, ठीक है ना, अपने मोबाइल से सेल्फी कैमरा ले लीजिएगा, मतलब फोटो खींच लीजिएगा, वो फोटो को डाटा केबल से, ठीक है, डाटा केबल से अपने डेस्कटॉप में ट्रांसफर कीजिएगा, उसको और डाल लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो और नीचे है चेतन चौहान जी, जो लिखते हैं कि आपका समझाने का तरीका सही है, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर कमेंट करने के लिए, यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कमेंट का सिलसिला पूरा समाप्त हुआ, सारा कमेंट को मैंने पढ़ दिया है, तो ऐसे ही आपको कमेंट करते रहिए, आपका नाम मैं यहाँ पे लूंगा और आपका कमेंट का भी जिक्र करूंगा, उसका रिप्लाई भी दूंगा, आंसर भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी है।
ठीक है, क्या आप करना चाहेंगे, लाइक या डिसलाइक, कुछ भी कर दीजिए मगर कीजिए जरूर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप शेयर करेंगे और शेयर करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। सोच किसका रहे हैं, किसका आपका ध्यान है, किधर आपका सोच है, सब्सक्राइब कर लीजिए ना, तभी तो वीडियो आपको अच्छा अच्छा यहाँ पे मिल पाएगा, आपके पास पहुंच पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की हम समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। आप सभी लोग से मुखातिब होंगे वही ऊर्जा और वही जोश के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91, जय फैट बिलियन .com।